हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है। रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फूड प्रोसेसर में आटा कैसे गूंथते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सिंपल है इसमें ये, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो हमें ऑयलिंग करनी है अपने जार की। अगर हम भूल जाते हैं, ये हमें भूलना नहीं है, अगर हम बाई चांस भूल जाते हैं तो हम आटे में भी थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर सकते हैं। पर अभी जो स्टार्टिंग में है पूरे जार का हम हल्का सा हाथ से ऑयलिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो इसमें ब्लेड यूज़ करेंगे वो ये वाला ब्लेड यूज़ करेंगे। ये वाला ब्लेड हम सब्जियों में चॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग ये वाले ब्लेड को इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम ये वाला ब्लेड आटा गूंदने के लिए और मक्खन वगैरह निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, फ्रेश मलाई से, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आटा डालेंगे। आटा जो है हमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही हमें इसमें आटे को डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इस करछी की हेल्प से मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। 1, 2, 3 मतलब आटा इस तरीके से पूरे में फैल जाए, एक ही तरफ इकट्ठा ना हो और ये पूरे में फैल जाए। ये इतना आटा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। जब भी हम आटा गूंदेंगे इस तरीके से फूड प्रोसेसर में तो ये हमारा साइड वाला जो है ये हमारा लॉक रहना चाहिए। उसके बाद हम इसको लिड से कवर करेंगे। ये कवर करेंगे और ये एक टक का साउंड आएगा, हाँ इसका मतलब ये हमारा अब लॉक हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए, पानी क्वांटिटी में एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम ऊपर से पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम फिर इससे कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसकी स्पीड जो है 1 पर ही, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ही हम इसकी स्पीड को रखेंगे नॉर्मल। इसको तेज नहीं करना, हमें स्पीड को नॉर्मल स्पीड से हम इसका स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें और पानी मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए विद इन सेकेंड्स हमारा ये आटा गूंद गया। अभी हम इसको चेक करेंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे और फिर इसको हम खोलेंगे। इसको यहाँ से दबाया और इसको इस तरीके से खोल के ये देखिए कितना बढ़िया आटा। इसको हम दबा के देखेंगे, ये देखिए एकदम नॉर्मल आटा और इतना बढ़िया ये हमारा आटा तैयार भी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा इतना बढ़िया आटा एकदम रेडी है। हम कभी भी चपाती बनानी है, हम ताज़ा आटा उसी टाइम गूंद के अपना चपाती बना सकते हैं। अगर आपको आटे की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा करनी है तो हम इसमें और आटा भी मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो अगर जल्दी ही मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।